नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इस सावन के महीने में भी अपना जो दबदबा है वो कायम करने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि वे म्यूजिक पर आप सभी के चहेते हिट मशीन ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव का गाना जो रिलीज हुआ था 2 दिन पहले, जिस गाने का नाम फूल बेल पाता, जो कि साफ सुथरे छवि का ये गाना है और इस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया था और नीतू यादव खूबसूरत अंदाज में इस गाने में नजर आए हैं। फाइनली ये गाना इस सावन के महीने में भोजपुरी कलाकारों में सबसे बड़े पायदान पर ट्रेंड कर रहा है और इस गाने की संभावनाएं हैं कि ये गाना नंबर 1 तक पहुंच सकता है। जी हाँ, बात करें तो वेब म्यूजिक पर रिलीज फूल बेल पाता जो गाना है वो पूरे देश में, जी हाँ पूरे देश में, अगर मैं मेन सेक्शंस की बात करता हूँ तो ये गाना जो है वो 5वें नंबर पर मेन सेक्शन इनकी बड़का वाला ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है। तो एक बड़ी खबर, तो वहीं ये गाना जो है म्यूजिक सेक्शन में भी ट्रेंड कर रहा है और ये गाना पूरे देश में 3रे नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बात है और खास करके सावन महीने में खेसारी और उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और उम्मीद ये है कि ये गाना नंबर 1 पर पहुँच कर सारे भोजपुरी कलाकारों को एक बड़ा लकीर दे देगा और फूल बेल पाता गाना की संभावना है नंबर 1 पर ट्रेंड करने का है। जी हाँ, बात करें तो फूल बेल पाता जो गाना है वो आप सभी के फेमस चैनल यानी कि वेब म्यूजिक पर रिलीज किया गया है और इस गाने पर 1.7 यानी कि 17 लाख से ज़्यादा व्यूज मिले हैं। तो 1,43,000 से ज़्यादा लाइक्स के साथ 20,000 से ज़्यादा इस गाने पर कमेंट्स मिल चुके हैं और ये गाना खेसारी की आवाज़ में है और एक्ट्रेस नीतू यादव नजर आए हैं। कृष्णा बेदर्दी इस गाने को लिखे हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर भी कृष्णा बेदर्दी का है। आशीष सत्यार्थ इस गाने के वीडियो डायरेक्टर हैं। तो एक अपडेट था, आप लोग इतना प्यार दें कि ये गाना नंबर 1 पर पहुँच कर इस साल का सबसे बड़े पोजिशन पर ट्रेंडिंग में करने वाला एक रिकॉर्ड स्थापित खेसारी लाल यादव कर दें। तो एक अपडेट था इस मामले को लेकर। बाकी ये गाना आपको कैसा लग रहा है, क्या ये गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद।